हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर की ही चीज़ों से किस तरह से गले, छाती, फेफड़ों से जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम चीज़ों से रेमेडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नुस्खा बहुत बार आजमाया हुआ है और ये 100% काम करता है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे सिर्फ एक बार लेने के बाद ही आपको आराम महसूस होने लगेगा। इस रेमेडी को लगातार 3 दिन तक लेने से आपकी एलर्जी, खांसी, इन्फेक्शन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलर्जी और इन्फेक्शन के कारण ही सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या होती है। इस रेमेडी को लगातार सुबह शाम 3 दिनों तक लेने से आपको जल्दी जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। चलिए तो बिना देर किए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की इस इफेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तेज पत्ते, इनको बे लीव्स भी कहा जाता है। तेज पत्तों का प्रयोग खाने में फ्लेवर के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें सैकड़ों औषधीय गुण होते हैं। हमारे भारतीय किचन के ये साधारण से दिखने वाले तेज पत्ते एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं, इसीलिए ये चेस्ट इन्फेक्शन को, जैसे सर्दी है, खांसी है, अस्थमा है या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सबको पूरी तरह से खत्म करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को समाप्त करने के लिए ग्रीन टी की तरह से तेज पत्ते की आप चाय बनाकर पिएं। तेज पत्तों से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तेज पत्ते पेट की सभी समस्याओं जैसे गैस, बदहजमी, पेट में अफारा होना, लूज मोशन, इन सभी से पूरी तरह से निजात दिलाते हैं। आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें बहुत सारे तेज पत्ते नहीं चाहिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 तेज पत्ते लिए हैं। आज इस रेमेडी को हम 2 दिन के लिए बनाकर तैयार करेंगे। रेमेडी के अच्छे रिजल्ट के लिए रेमेडी को एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहिए। तेज पत्ते हमें पेड़ों से मिलते हैं, इसीलिए इस पर काफ़ी धूल मिट्टी होती है, इसीलिए रेमेडी बनाने से पहले हम इनको अच्छे से पानी से वॉश करके लेंगे। तेज पत्तों को इस तरह से पानी से अच्छे से साफ करके लें। तेज पत्तों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तेज पत्तों के साथ ही हम यहाँ पर 2 इंच का टुकड़ा लेंगे अदरक का। अदरक को छीलने के बाद इसे भी हम पानी से अच्छे से वॉश करके लेंगे। रेमेडी बनाते समय हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब हमने ये जो तेज पत्ते लिए हैं इनको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लेंगे। तेज पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, इसी कारण से शरीर में किसी भी तरह की स्वेलिंग हो या आर्थराइटिस में होने वाला जॉइंट्स पेन हो, तो इन सभी को दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। 4 तेज पत्तों को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर ले लिया है अदरक और तेज पत्तों के साथ। अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, तो उनके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है अदरक कूटने वाला एक बर्तन, और इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि करीब 1 इंच लंबा है। इसे सिनेमन भी कहा जाता है। दालचीनी सर्दी, जुकाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण की तरह से काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। दालचीनी सर्दी, जुकाम और सर्दी जुकाम में होने वाले गले की स्वेलिंग को दूर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। दालचीनी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अब हम यहाँ पर लेंगे 2 लौंग। लौंग हमें इसी तरह की फूल वाली लेनी है। सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए तो लौंग फायदेमंद होती ही है, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में जमे हुए टॉक्सिक पदार्थ जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं उनको बाहर निकालती है। लौंग एक ऐसा मसाला है ये आपकी भूख को बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी के दौरान अक्सर ही भूख कम हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, तो लौंग आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करेगी। पेट की समस्याएं जैसे गैस, अपच, इस तरह की बीमारियों में लौंग का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब लौंग और दालचीनी को हम थोड़ा सा क्रश करके लेंगे, ताकि जब हम इसका काढ़ा बनाएं, तो इसके सारे औषधीय गुण काढ़े में अच्छी तरह से आ सकें। तो ये देखिए दालचीनी और लौंग को हमने इस तरह से दरदरा क्रश कर लिया है। हमने जो अदरक लिया था उसे भी हम इसी तरह से क्रश करके लेंगे। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अदरक को भी हमने लौंग और दालचीनी के साथ ही थोड़ा सा क्रश करके ले लिया है। रेमेडी बनाने के लिए प्रेपरेशन पूरी हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमें लेना है एक बर्तन और इसमें ऐड करना है 400 ml पानी। मैंने यहाँ पर पानी को मेजरिंग कप से मेज़र करके लिया है, आप चाहें तो पानी को ग्लास से भी मेज़र कर सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए कभी भी ठंडे पानी में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए,
अब गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाते समय जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए तभी आप इसमें कुछ ऐड करें। पानी में अभी अच्छा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ते। इसी स्टेज पर क्रश किया हुआ अदरक, लौंग और दालचीनी को भी ऐड करेंगे। इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाने के लिए गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें, क्योंकि हाई फ्लेम पर पानी की क्वांटिटी तुरंत ही रिड्यूज़ हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर रेमेडी बनाने के लिए जो भी चीज़ें ली हैं उनकी औषधीय गुण पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसीलिए रेमेडी को हमेशा ही मीडियम फ्लेम पर ही बनाना चाहिए। अब तेज़पत्ते, अदरक, लौंग और दालचीनी को इस पानी के साथ तब तक उबालना है जब तक कि पानी की क्वांटिटी एक चौथाई न रह जाए। हमने यहाँ पर 400 ml पानी लिया था, अब इस पानी को उबालते हुए हमें इसकी क्वांटिटी को सिर्फ 100 ml तक लाना है। पानी को उबलते हुए अभी करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी अभी एक चौथाई हो चुकी है। रेमेडी बनाने के लिए हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रयोग की हैं उन सभी के औषधीय गुण इस पानी में अच्छे से आ चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस रेमेडी को लेना कैसे है अब ये भी हम जान लेते हैं। अब इस रेमेडी को हम स्ट्रेन करेंगे। अब ये जो रेमेडी बनकर तैयार हुई है इसे आपको पूरा कप एक साथ नहीं लेना है। इस रेमेडी को हमने 2 दिन के लिए बनाकर तैयार किया है, इसे आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना है। रेमेडी को सही क्वांटिटी में और सही समय पर लिया जाए तभी वो इफेक्टिव होती है। तो इस रेमेडी को हमें एक बार में 4 छोटे चम्मच लेनी है। ये डोज में बड़े लोगों के लिए बता रही हूँ। 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए आपको 2 छोटे चम्मच इस रेमेडी को लेना है। अब इस रेमेडी में हम गर्म पानी ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन, 1 छोटा चम्मच के करीब आप इसमें लेमन जूस ऐड करें। गले और लंग्स में जमे हुई कफ को बाहर निकालने के लिए लेमन जूस बहुत ही कारगर होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। यहाँ पर आपको नॉर्मल प्रयोग होने वाला नमक या फिर काला नमक नहीं लेना है। सेंधा नमक गले और लंग्स में जमे हुए कफ को निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कफ बढ़ने से एलर्जी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं सामने आती हैं तो उनको दूर करने के लिए नमक बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इस रेमेडी को आप सुबह नाश्ता करने के बाद लें और रात को इसे आप सोते समय लें। इस रेमेडी को आपको दिन में 2 बार लेना है और आप इस रेमेडी को फ्रिज में स्टोर करके रखें और जब आपको इसको लेना हो तब आप इसको गर्म करके ही लें। यदि आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, इसी वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम खराब होने के कारण ही जल्दी जल्दी सर्दी, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप रेगुलर किसी न किसी रूप में शहद का प्रयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप ये छोटी छोटी परेशानियों से बचे रहेंगे। लंग्स और गले में जमे हुए कफ को निकालने के लिए ये थी आज की मेरी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ईजी सी रेमेडी। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आपको इससे जो बेनिफिट्स मिलें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और यूज़फुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।